गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल और ये है मेरा 3rd ब्लॉग और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला फ्रेंड जो है वो मुझे काफी टाइम से बोल रहा था आ जा दोबारा, बट वो ही मुझे अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर जाना, बट देखते हैं। ठीक है, अब मुझे जाना भी है क्योंकि वो काफी टाइम से मुझे बोल रहा है तो उसकी बात भी रखनी है। तो चलो ठीक है, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे उससे मिलते हैं, 2-4 बातें करते हैं और थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे द्वारका में एक शॉप है, इधर अभी शॉप का नाम क्या है, बीकानेर स्वीट्स है। वहाँ से मैंने क्या कहते हैं मिठाई पैक करी है अपने फ्रेंड के लिए, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी मिठाई है, तो ज़रूर आप आके लेना। और ये द्वारका रामाबाग की रोड है ना, वहाँ पे मलिक चौक है, तो वहाँ पे लेना। तो भैया ने पैक कर दिया, मेरे को भी ध्यान नहीं था, मैं उनको दिखाता। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा मैं जरूर यहाँ पे वो जो मिठाई है कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और किस चीज़ की थी वो मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, बेसन वाली थी, बर्फी बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी मिठाई है। तो मैं अपने फ्रेंड के लिए जा रहा हूँ, जो जिसके घर में जा रहा हूँ। चलो वही जाकर मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ अपने फ्रेंड के घर के पास और वो मुझे गाली निकालेगा और मैं लेट हो गया। और मैंने उसके लिए मिठाई ली है जो अच्छा ही लगता है, से खा लिया जाते हैं। एक तो मैं मोबाइल कवर की वजह से मैं लेट हो गया, इतना गंदा कवर इसने बनाया ना, मैंने बनवाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा, होपफुली मैं ऊपर ही दिखा दूंगा। तो चलो ठीक है, मैं उससे जाके मिलता हूँ, नहीं तो वो सुधार होगा, इतनी देर से आया नहीं, आया नहीं है। चलो यार फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने दोस्त के लिए। हेलो, कैसे हो? अच्छा है, अभी अच्छे, जल्दी से रिकवरी करो फटाफट। थैंक यू ब्रो। बाहर हम घूमने जाया करेंगे इधर उधर। और ये आंटी, एक ये सब आंटी रहते, मैं इसलिए नहीं आता हूँ मैं। अरे ब्रो, सिर्फ ये जूस ही तो है बस। हाँ, ये सब है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा 2-4 बातें कर लेता, थोड़ा सा मेरे का थोड़ा मिलवा देता हूँ, तो कहीं नहीं लो। चलो ठीक है, बाय। ब्लॉग को बोलते सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दो भाई, कर दो, करता ही नहीं है। कर दो यार, ये जो जो कह रहा है वो सारा कुछ कर दो भाई का। चलो बाय बाय, बाय बाय गाइस। ऊपर वाले जो बच्चे हैं, ये ये बच्चा है, ये कौन है? ये मैं क्या कहते हैं वो कर रहा हूँ अपना योगा वोगा कर रहा हूँ, फिटनेस प्री कोट। ये जो साथ वाला है, ये भी मैं हूँ पूरी। और ये अपनी तू नहीं लग रहा, पता है, सभी मैं ही हूँ मैं। अरे मतलब वैसे वो जो मैंने बनवाया ना, ये अच्छा लग रहा मुझे, लेकिन जो क्या कहते कवर है ना बहुत हार्ड है, ऊपर से इसकी जो एजेस है ना वो भी नहीं है, तो इसके लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं। अपना आईफोन ख़राब नहीं करना, एक बार तो लगा के देखना। मैंने लगा के देखा इसमें, अब मैं तुम तेरे लिए दोबारा लगा देता हूँ, रुक जा। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ अभी अपने फ्रेंड के घर से और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो बच चुके हैं 10 और यहाँ से जाऊँगा बाई फुट, क्योंकि जाना है मुझे पैदल। वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मौसम हुआ पड़ा है सुहाना सुहाना। तो चलो ठीक है, चलते हैं और रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत कैप्चर करते हुए जाते हैं। कुछ मॉल मैंने यहाँ पे देखा था, कुछ ना मॉल वगैरह भी था यहाँ पे, पता नहीं, खैर अब तो बंद हो गया होगा, 10 बज गया। तो कोई बात नहीं, पैदल जाते हैं और ठीक है, इंजॉय करते हुए और थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर करते हुए आपको दिखाते हैं। तो अच्छा लगा उससे मिल के और उसको भी अच्छा लगा, वो कहता कि अच्छा है तो आ गया, वो थोड़ा सा बोर सा हो जाता है। तो चलो चलते हैं और आगे आपको रास्ता दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा था रास्ते में, तो मन कर रहा था आइसक्रीम खाने के लिए, ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैंने ली है चोको नेडो, क्या है नाम इसका, चोको चोको नेडो। हाँ, मैंने कहा मैं आइसक्रीम वगैरह भी कम खाता हूँ, थोड़ा डाइट वाइट होना, तो आज मन कर रहा था ठंडा ठंडा मौसम है, तो भैया अभी आइसक्रीम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हूँ मैं, द्वारका, द्वारका कौन सा सफर है, हाँ 14 सेक्टर में, वो फ्रेंड के घर के बाहर हूँ एकदम से, और वाला पूछा उसका घर। और चलो ठीक है, ये रही आइसक्रीम, तो मैं भैया को पैसे पे कर देता हूँ, आपको मिलता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं हूँ द्वारका सेक्टर 14 में, तो भैया के पास आना और आइसक्रीम खा के जाना यहाँ पे। तो थैंक यू भैया जी आपने आइसक्रीम खिलाई। तो चलो मैं चलता हूँ अपनी आइसक्रीम इंजॉय करता हुआ। वाह, तो हम लेते हैं पहली बाइट। बहुत टाइम बाद मतलब खाई होगी, फिर बीच में मुझे ध्यान नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे वॉक करते हुए और ठंडा ठंडा मौसम है, आइसक्रीम खाते हुए। मुझे नाम में नहीं वो प्रोनाउंस करना आ रहा था, पता नहीं क्या है, चोको नेटो पैटो जो भी है, इंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब कैलरीज बढ़ेंगी तो क्या कर सकते हैं, मन करता है कभी कभी खाने का। मौसम जैसे इतना अच्छा हुआ पड़ा, ऐसा कुछ क्रेविंग्स होती है आइसक्रीम वाले को देख के, कोई बात नहीं, एक बार प्रॉब्लम है, अच्छा लग रहा है और वॉक करता जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ।
ये मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा पैदल और आगे आएगा थोड़ा सा जाते हैं, कितना 2 किलोमीटर होगा जो द्वारका मोड़ अच्छा है वॉक करता और ये अपने आइसक्रीम इंजॉय करते हम जा रहे हैं। चलो यार तो परसों तरसों की बात है, मैंने ना फ्रिज खुला छोड़ दिया था रात को, मतलब मैंने रात सुबह की प्रिपरेशन के लिए रात को मतलब कटिंग वटिंग चॉपिंग वॉपिंग करके ना मैंने रखा था और मैं फ्रिज बंद करना मैं भूल गया था और थोड़ा सा वो खुला रह गया, फिर सुबह देखा अरे भैया ये तो कूलिंग नहीं कर रहा, ऑब्वियसली जब सारी गैस निकलेगी तो कूलिंग कहाँ से करेगा। उसके बाद कूलिंग स्टार्ट हो गई थी, ऊपर की हो रही थी कूलिंग, नीचे नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने फिर फ्राइडे को मैंने कॉल किया कॉल सेंटर पे उनके एलजी वालों के लिए, एलजी वालों को कॉल सेंटर कॉल किया, फिर उन्होंने आज यहाँ पे भेजा टेक्नीशियन वगैरह, तो पता चला मैंने सारी कूलिंग तो ऊपर कर रखी थी, वो एडजस्ट करना होता है ना तो वो बोले थे वन पे करो ताकि आधी कूलिंग ऊपर है आधी नीचे, नीचे तो फिर कूलिंग जानी थी, तो मतलब हो रहा है कूलिंग और कर रहा था बट मेरे को वो था कि पहले जैसा कूलिंग नहीं कर रहा, तो ठीक है वो आई टेक्नीशियन तो उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर आपको वन पे रखना है थोड़ा ऊपर भी कूलिंग रहे नीचे भी रहे, तो ध्यान में आया मैंने कहा अभी फ्रिज लिया अभी ये सब क्या हो गया, मेरी गलती की वजह से फ्रिज खुला रहेगा, बट मैंने कहा लोगों के साथ होता होगा फ्रिज खुले रहते होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप क्या कहते हैं बंद ही हो जाएगा फ्रिज ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो फाइनल ठीक है, पहले मैं इतना सब सोचता नहीं था कुछ भी खा लो ये भी खा लो, अब जैसे रात के 10 बज रहे हैं फिर खा रहा हूँ फिर भी क्या कर सकते हैं, नहीं खाना चाहिए। अब आप कहोगे अरे भैया खा भी रहा है बोल भी रहा है ना तो मत खा ये वो बोलते, ठीक है यार क्या होता है आप जो चीज़ नहीं करते ना आप जब करने लग जाते ना तो आपको होता है यार नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी करने में मज़ा भी है इस चीज़ का। तो अच्छा यार और अच्छा लग रहा है ऐसे वॉक करते हुए जाओ, और बात करने के लिए कुछ है नहीं ऐसे कुछ खास, बाकी कल जाना है, हाँ कल मुझे जाना है, प्लान मैंने सोच रखा हुआ उसकी टिकट भी बुकड है, तो कल ठीक है बने रहना ब्लॉग भी, और आज तो काफ़ी सारे ब्लॉग हो गए। चलो आगे चलते हैं, मैंने खा ली है अपनी आइसक्रीम, पता क्या होता है हम जैसा बोलते हैं ना कुछ काम हम गलत कर रहे हैं किसी तरह गलत कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसलिए कि हम अपना वो गिल्ट छुपाना चाहते हैं, तो वैसे मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ तो मतलब खा भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो मैं अपना वो कहने के अपने आपको कवर करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है खा ली तो क्या हो गया ये वो, ठीक है नहीं करना तो नहीं करो अब खा ली तो खा लो, तो वो चीज़ होती है अपना गिल्ट छुपाने के लिए हम सब ये बोलते हैं कि भैया ऐसे हाँ ये वो, तो कोई नहीं मज़ा खा लिया गिल्ट छुपा रहा अपना ये समझ लो। चलो अच्छा लग रहा है पीछे आप देख रहे हैं शम से रोड है लाइटिंग चल रही है शाह शाह शाह, यार यहाँ पे मॉल वगैरह नहीं है। अच्छा क्या है फिटलिन फिटनेस, देखो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई नहीं मुझे यहाँ पे जिम दिख गया, तो जिम वगैरह तो भैया जगह जगह दिखते हैं अब जो मुझे जिम के बगैर तो भैया चैन नहीं है, एक दिन भी छुट्टी अब जैसे कल है संडे है अब कल जिम नहीं है और कल अब मुझे जाना है, मैंने टिकट बुक कर रखी है और पता चले कि कपड़े नहीं आ रहे हैं। सर ये होता है एक दिन में मोटापा नहीं होता ना एक दिन में कम होता है, तो बस चलते आगे कुछ छोटा सा कवर करते हैं, मॉल वगैरह यहाँ पे यार होना चाहिए, सोचो मारा के कुछ कवर करूँ बट क्या कवर करूँगा, अब तो बंद हो गया 10 बज गए हैं 10 से ऊपर ही हो गया 10 हो गया। चलो ठीक है आ चलते हैं आगे थोड़ा सा, तो ये है सूर्या ग्रीन और कोई बैंक्वेट हॉल होगा, यहाँ पे अभी शादियाँ चल रही हैं, शादी का सीज़न ऑन है, अरे वाह मार्च का टाइम चल रहा है और मार्च के सीज़न में मतलब शादी हो रही है, अरे वाह डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है वाह। चलो बस अब आगे चाहते हैं आइसक्रीम वाला, दोबारा नहीं खानी है आइसक्रीम। और वाह आगे तो अच्छा लग रहा है, शादी का त्यौहार तो हुआ पड़ा, सोच रहा चला जाता हूँ शादी का खाना खा लेता हूँ। तो अभी मैं आ रहा था तो वही बचा था पेटीएम में प्राप्त हुए 300 रुपये, तो उसका वो गाना बड़ा अच्छा वो जसमीन को जसमीन थी वो जिसने गाया था पेटीएम का गाना, एंड कहीं बात में प्यार की सौगात में दिल्ला कपी दिल तुम भरो ऐसा कुछ था पेटीएम करो, हाँ अच्छा गाना मैं उसको कई बार मैं सुनता हूँ मुझे कई बार सब मन रहता ना, तो बड़ा अच्छा गाना है वो आप भी ज़रूर सुनना।
KTM का ऐसे टाइटल सॉन्ग का कुछ सर्च करना यूट्यूब पे आपको जरूर मिलेगा। चलो ठीक है, आप चलते हैं आगे। और अरे यार कितना सब मेडिक हुआ पड़ा यार। फ्रेंड्स, मैंने अपने मोबाइल कवर बनाया था जिसके अंदर सब कुछ लिखा है, ब्लॉगर, वर्किंग गाइड, थिएटर आर्टिस्ट, ये बॉय शेफ, मॉडल, ट्रैवलर। तो अच्छा तो बनवाया है मैंने, लेकिन बहुत हार्ड है यार, मैं नहीं लगा सकता हूँ कवर को, अपना मोबाइल नहीं ख़राब करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई देखेगा ऐसे सब्सक्राइब करेगा, बट भैया मैं नहीं लगा सकता, बहुत हार्ड कवर है। तो मैं और कोई ट्राई करूँगा कवर इस पर, मतलब जो बना सकता हो सॉफ्ट लेमिनेशन वगैरह जो अच्छे से कर सकता हो। ठीक है, 250 पे करें इसके, अब मैं लगा, कोई बात नहीं, ऐसे अपने साथ कैरी करके रखूँगा अलग से मेट्रो में दिखाता फिरूँगा भैया सब्सक्राइब कर रहा तो ऐसा कुछ खास सा कवर ही नहीं आया यार, इतना अजीब सा, मतलब बना तो प्रिंटिंग वाला तो मैंने सही करवाया, लेकिन हार्ड है बहुत, मुझे पहले देखना चाहिए था, मुझे लगा था नहीं अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, बनवाऊँगा तो सही मैं। और देखो बातें करते करते आइसक्रीम खाते खाते आ गया द्वारका मोड़, द्वारका मोड़ के बाद आ गया अपना सीधा घर। तो चलो ठीक है, इस ब्लॉग को अब ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचता हूँ, अननेसेसरी आपको क्या कुछ बोलने को है नहीं है तो चलो ठीक है, मैं ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल वाले में। तो बने रहिएगा, कल मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है, तो होपफुली आपको पसंद आएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ फाइनली अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वॉक करते हुए जा रहा हूँ, अपनी आइसक्रीम को एडजस्ट करते जा रहा हूँ, गिल्ट छुपाते हुए जा रहा हूँ अपना बाय।